अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के लोग शिया लोगों को गुस्ताख क्यों बोलते हैं, उनकी गुस्ताखी क्या है। वो तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं और उनसे इश्क करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इनकी आज कुछ आपको वीडियो दिखाते हैं कि वो कितना हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ही फरमाया है कि हज़रत अली के बारे में फरमाया कि ए अली, तुमको तुम्हारी मिसाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह है। यानी कि जिस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने इतना माना कि उनको खुदा का बेटा बना दिया, और वो जो है जहन्नमी हो गए, और एक लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल से ही उनको इनकार कर दिया। तो इस तरीके की हज़रत अली की भी मिसाल है कि तुमको जो है एक लोग होंगे जो तुमसे इतना जलेंगे और जलने की वजह से जहन्नमी हो जाएंगे, और एक लोग होंगे जो तुम्हारी मोहब्बत में इतने ज़्यादा हद से बढ़ जाएंगे कि वो भी जहन्नमी हो जाएंगे। तो आज हम आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं कि उनको जो है शिया लोग किस तरीके से वो लोग खुली गुस्ताखियाँ कर रहे हैं हज़रत अली की ही शान में, हज़रत अली ही की तारीफ करके उन्हीं की जो है गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन इनको खबर नहीं। तो आप पहले ये वीडियो देख लें, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, इसके बाद फिर आप हमको कमेंट करके राय जरूर। इंसानों मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए। इंसानों मुसलमानों, तुम पैदा हुए हो अली की बंदगी के लिए। खुदा की बंदगी तुम्हारे बस में नहीं है। और वैसे भी कुरान कह रहा है कि कयामत के दिन हर बंदा अपने खुदा के साथ जहन्नुम में जाएगा। जिसने जिसको खुदा माना होगा वो उसके साथ जहन्नुम में जाएगा, और जिसने अली को खुदा माना होगा, कोई भेज कर दिखाए। तो आपने वीडियो में देखा कि वो क्या कहते नजर आए हैं कि जो है इंसान को पैदा ही इसलिए किया गया है कि वो अली की बंदगी करे, यानी अली की बंदगी करे। आपने कुरान पाक पढ़ा होगा तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला साफ फरमाता है कि हमने इंसान और जिन्नात पैदा ही इसलिए किए हैं कि वो मेरी बंदगी करे। अल्लाह फरमाता है कि मेरी बंदगी करो, लेकिन ये लोगों को अवाम को क्या मैसेज दे रहा है कि अली की बंदगी करो। अब आप ये तो बहुत छोटी सी बात है, अब आप और देखिए कि इन्होंने इस तरीके की कितनी सारी बातें और कही। जितने भी नबी हैं सब अब्बास के फकीर हैं। हाय, अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राजिक है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज यह है कि वो दर सैयदा जल्ले शानहू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज यह है कि वो दर सैयदा जल्ले शानहू पर सजदा करे। अल्लाह के सर का ताज जनाब सैयदा की नालैन की मट्टी है। जनाब सैयदा जल्ले शानहू की नालैन की खाक में अल्लाह पोशीदा रहता है। यह है तौहीद। हम कोई तौहीद के मुनकर नहीं है, हम कोई मुसारी नहीं है। मुसारी तो फिर कहते अली अल्लाह, हम कहते अली खालिक अल्लाह, अली राजिक अल्लाह, अली रब्बुल अरबाब, अली परवरदिगार आजम। तो आपने वीडियो में देखा कि इन लोगों ने हद से कितना ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो अल्लाह तबारक व ताला जो सबका खालिक है, मालिक है, राज़िक है, उस अल्लाह के बारे में क्या फरमाया, अल्लाह के बारे में इन लोगों ने क्या कहा कि हज़रत अली जो हैं वो माज़ल्ला अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह का खालिक है, यानी जो है अल्लाह को खिलाने पिलाने वाला, उसको रिस्क देने वाला अली है। इस तरीके की माज़ल्ला जो लोगों के दिमाग में भी इस तरीके की बातें नहीं आती, ये लोग बाकायदा स्टेज से बोल रहे हैं और लोग सुनकर इनकी जो है वाहवाही भी कर रहे हैं। और इन्होंने देखा होगा आपने क्या कहा कि जिसने अली को खुदा माना तो साफ साफ शिर्क कर रहे हैं, स्टेजों में बैठ करके खुले तौर पर शिर्क कर रहे हैं। और एक और आप वीडियो देख लीजिए, जो शिया के एक बहुत बड़े मौलाना हैं, उन्होंने भी किस तरीके की बातें कही। अली जो अदा कर रहा है खुदा की इबादत, खुदा कर तो मेरे खालिक तुझे हम युलद में कहो तेरे घर में ये बच्चा बता कौन है, तू बदन में नहीं ये बशर अली को रब कहना इल्मी तौर पे गलत नहीं है। एक दो ही बिस्मिल्लाह, डर क्यों रहो? मौला नबी को और मौला अली को रब कहना इल्मी तौर पर गलत नहीं है।
मगर मुतलक रब सिर्फ अल्लाह है। इजाफे के साथ जब हम बात करेंगे तो मौला अली को रब कहा जा सकता है, रब उम्मत मुस्तफा अली है, गलत नहीं है। रब्बे शियाने शियाने अली अली है। तो आपने वीडियो में देखा कि ये जो बहुत बड़े मौलाना हैं, इनके नजदीक जो है बहुत बड़े जाने माने उलमा हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हों को आप इल्मी तौर पर रब कह सकते हैं, यानी कि हजरत अली को आप इल्मी तौर पर रब कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं। हजरत अली को माज़ अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, पता नहीं वो जो है इल्मी तौर इनका जो है इल्म वो किस तरीके का है, कौन सा इल्म की ये बात कर रहे हैं कि उनको जो है रब हम लोग रब कह सकते हैं। ये बिल्कुल ही बिल्कुल गलत बात है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, ये तो पूरी हदीसों के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है। ये लोग हजरत अली की शान को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि नबी और रसूल तो ठीक ही है, वो तो खुदा तक की बात कर जाते हैं। कि आपने देखा जिस तरीके की कि वो जो है अल्लाह के बारे में किस तरीके की बातें कही हैं कि हम जबान पर भी वो लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो आप देखिए ये है इनकी गुस्ताखियां। इसके अलावा हम आपको एक और चीज बता दें कि कुछ शिया के मौलाना हैं जो इन चीज इस तरीके के बयान नहीं करते हैं और वो इन चीजों के खिलाफ हैं, लेकिन ज्यादातर जो है शिया का माहौल है कि वो ऐसी ऐसी बातें हजरत अली के बारे में कहते हैं उससे साफ गुस्ताखी समझ में आती है, और जिन पर जो है जिसकी वजह से इन पर शिर्क भी जो है साबित होता है और कुफ्र भी साबित होता है। तो ये वजह है कि अहले सुन्नत वल जमात जो है शिया लोगों से अलग रहती है और उनको गुस्ताख कहती है। बाकी एक की कुछ की वजह से हम सबको नहीं कहते हैं, लेकिन वहां पर जितने लोग मौजूद है आप देखेंगे कि सारे लोग जो है सुभानअल्लाह भी कहते हैं और माशाल्लाह की सदाएं भी बुलंद करते हैं। तो इन चीजों को रोकना चाहिए, रोकथाम करना चाहिए, जबकि इन चीजों को और बढ़ावा दिया जाता है उन लोगों की तरफ से। तो आपके सामने हमने जो बात रखी, अब आप बताइए कमेंट करके कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें, वहां पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम।